हेलो स्टूडेंट वेलकम इन फिजिकल क्लास वी आर डिस्कसिंग काइनेटिक्स यूनिट फिफ्थ पेपर थर्ड फर्स्ट ईयर बी एस सी पार्ट वन माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना खंडेलवाल। टुडे वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड लॉ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने आपको इससे पहले वाले यूनिट में बताया था कि कोटि क्या होता है और मॉलिकुलरिटी क्या होता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है अर्थात ये यहाँ पे जीरो है इस ये डी एक्स बाई डी टी टू के कॉन्सनट्रेशन ऑफ रेस्ट दि पावर जीरो और वी कैन से डी एक्स बाई डी टी टू के दिस वैल्यू ऑफ दिस इज इसकी वैल्यू वन होती है तो ये हो गया के जहाँ के शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थराक है उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग वेग स्थिर रहता है। के लिए व्यंजन की व्याप्ति हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है अर्थात dx बाई डी टीव टू के और वी कैन से डीएक्स दी इज टू के डॉटी इसको हम समाकलन करें तो डी एक्स बाई डी टी के डी टी तो ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी यहाँ सी समकालन स्थराक है अभी के रे के आरंभ में t इज इक्वल्स टू जीरो हो और x इक्वल टू जीरो हो इन मामों को समीकरण पे रखने पर x इक्वल्स टू जीरो टी इक्वल्स टू जीरो सी तो c बराबर हो गया जीरो तो यदि हम सी का मान समीकरण दो पे रखें तो x बराबर के टी और x इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर एक्स अपॉन टी यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के, के वेग स्तर का व्यंजक है विशेषताएं यदि t के संगत x के मानों को आरेखित करें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है वेग स्थरांक की इकाई हमें पता है के बराबर है एकस एकस क्या है मोल पर लीटर टी है समय मोल पर लीटर पर टाइम अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थरांक की इकाई मोल पर लीटर पर टाइम है पर समय है शून्य कोटि की अभिक्रिया एक निश्चित प्रभाष के पूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की आरंभिक सांद्रता के अनुक्रमापी होता है उदाहरणतः अर्थ परिवर्तन पर एक्स बराबर ए अपॉन टू अर्थ हाफ लाइफ पीरियड पढ़ रहे हैं। हम तो एक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बाई टू और टी बराबर टी हाफ इन मामलों को समीकरण पे रखने पर के x हमें रख रहे हैं ए बाई टू और टी हो गया टी हाफ तो टी हाफ बराबर क्या हो गया टू बाई टू के और वी कैंस टू टू कैंसिल हो गया हम कह सकते हैं यहाँ पे रह गया ये a हैगा यहाँ पे तो t1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु आरंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोग हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स कन्वर्ट इनटू 2 hcl एसीटोन तथा ब्रोमीन का संयोग सी एस टी सी ओ सी एस थ्री प्लस बी आर टू गेव सी एस थ्री सीओ सी एच टू बी आर प्लस एच बी आर स्वर्ण के तल पर एच आई का उपघटन एच आई स्वर्ण हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है टंगस्टन के तल पर अमोनिया का ताप्य उदघटन ये सारी क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और एंजाइम अभिक्रियाएं। नाउ इंटीग्रेटेड लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए कन्वर्ट इन टू बी ए इज़ इक्वल टू जीरो इनिशियली एट टाइम टी ए माइनस एक्स एक्स फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ एनी टाइम इज गिवन बाय डीएक्स टू के और डीएक्स इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेटेड डीएक्स के डी टी एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई वेन टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो हेन्स आई इक्वल्स टू जीरो दिस इज आई और सी इट इज अ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमने हिंदी में यहाँ सी लिया था कन्फ्यूज नहीं होना सो वी हैव एक्स इक्व टू के टी दिस इज अ जनरल रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज K zero is equal to x by t. Hence, unit of zero order rate constant is that of concentration x per time. As concentration is expressed in mole per liter, then unit of K zero will be mole per liter per time. Second, concentration of the product increases linearly with time. So, as plot of x against t will be straight line passing through the origin. स्टूडेंट्स हम यदि इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स वर्सेस टी को जब हम देखो ये एक्स वर्सेस टी यदि हम इसको एक्स ले लें और इसको टी मान लें तो हम देखेंगे ये ओरिजिन से पास होगा ये यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज दैट ऑफ द कंसंट्रेशन Per time, unit is mole per liter per time, or mole per liter. Examples are example of zero order reaction, example of zero order reaction, photochemical reaction between hydrogen and chlorine over water saturated with axial surface is of zero order. Now let us consider a reaction N2 plus CO convert into NO plus CO2 at 200 degree. Here the rate does not depend on CO so that it is not included in rate law and the power of CO is understood to be zero. The reaction is zeroth order with respect to CO. The reaction is second order with respect to NO. Now, वे किस तरह के व्यंजन की व्यक्ति प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए माना कि कोई सामान्य प्रथम कोटि अभिक्रिया निम्नलिखित है ए उत्पाद माना की ए आर ग्राम अणु प्रति लीटर है और टी समय पश्चात इसमें से एक्स ग्राम अणु प्रति लीटर क्रियाफलों में परिवर्तित हो जाते हैं अतः टी समय पश्चात ए की सांद्रता ए माइनस एक्स ग्राम अणु प्रति लीटर रह जाती है इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है ए जीरो आरंभिक स्वंत्रता एट टाइम टी ए माइनस एक्स एक्स ग्राम पर अणु डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रपोस्टेड टू ए माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी इज टू के ए माइनस एक्स डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज ईक्व टू के डी टी यहाँ के हमारा क्या है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है यहाँ के एक स्तरांक है जिसे वेग एक कहते हैं समीकरण एक का समकलन करने पर जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी जहाँ सी एक स्थरांक है जिसे समकालन स्थरांक कहते हैं जब टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो एक्स इक्वल्स टू जीरो हो इन मानों को समीकरण में रखेंगे तो माइनस एल एन ए बराबर होगा सी सी का मान हम समीकरण में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल एल एन ए अथवा हम इसको लिख सकते हैं के टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स और के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इस एल एन को यदि हम हटाते हैं लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो के हमारा क्या हो गया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय टी लॉग ए माइनस ए अपॉन एक्स ये हमें ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं विशेषताएं है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में उसके किसी निश्चित प्रभाष को पूर्ण करने में लगा समय आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है उदाहरण माना कि कोई क्रिया आदि हो जाती है अर्थात एक्स पॉइंट फाइव ए हो तो अर्थ क्रिया पूर्ण होने का समय क्या होगा टी हाफ टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के लॉग ए ए माइनस एक्स को हमें क्या लिखना है पॉइंट फाइव ए लिखना है हाफ मान रहे हैं अपन तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के लॉग टू उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि आधी क्रिया होने में लगा समय आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं है देखो इसमें एटम नहीं आ रही है। सांद्रता की इकाई बदलने पर वेग स्तर का मान नहीं बदलता है उदाहरण माना कि नई इकाई पूर्व इकाई की एम गुनी है अर्थात यदि हम इसको एम ए और इसको सबको एम से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखते हैं एम हमारा हट जाता है अर्थात सांद्रता की इकाई बदलने पर के के मान में कोई बदलाव नहीं आता है के की इकाई केवल समय पर निर्भर होती है यदि समय सेकंड में माना जाए तो के की इकाई पर सेकंड होगी दूसरे शब्दों में के की इकाई पर टाइम होती है Rate expression for first order reaction. As we know, that a first order reaction is that in which the reaction rate is determined by the change of the one concentration term of reactant only. Let us consider a first order reaction, the same thing A initially 0, A minus x x. Suppose the initial concentration of reaction A is mole per liter. Let x mole per liter of A decompose after time t, leaving behind A minus x mole per liter of A, and the amount of B formed will be x mole per liter. The rate of first order expression is proportional to the concentration of A at any particular time. Therefore, dx by dt is equals to kce or dx by dt is equals to ka minus x or dx by a minus x is equals to kdt. Integrating equation number this fourth, we get this equation here i is the constant of integration or when xt is equals to 0, x equals to 0 minus log a i this is integration constant value hum we, we will substitute the value of this we get t k is equals to 2.303 t log 10 a raised to a divided by a minus x now it is clear from the equation that if we plot the graph against time t a straight line passing through the origin is obtained from the slope this is the graph यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट इज पर टाइम मोल पर लीटर पर टाइम और यूनिट ऑफ केवन विल भी यहाँ ए आ रहा है मोल पर लीटर मोल पर लीटर विल कैंसिल विद ईच अदर एंड द यूनिट विल भी पर टाइम सो यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड पर मिनिट और पर डे एट्सेट्रा हाफ लास्ट टाइम ऑफ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ Completion of reaction is called half lifetime of a reaction. Half lifetime of a reaction is represented by t half. Half lifetime for first order reaction is represented by A. Is write, we will write A A by 2 and T is T half. So we will get log 2 and log 2 is value of log 2 is 0 0.303 3010. So we will get 0.693 divided by t half or t half is equals to 0.693 divided by k this is the half lifetime period of first order reaction it is clear from the above discussion that half life of a first order reaction is independent of initial concentration there is no a term half life is inversely proportional to k now you can calculate the time for completing any fraction of the reaction by making use of first order reaction let us calculate the time in which one third of reaction is completed we will replace this x by one third so the reaction A is replaced by one third x is replaced by one third 2.303 log 3 by 2 the value of this is equals to comes out to be this if so, we have to calculate the time in which 2 two-third of a reaction is complete, we proceed as under. This is the and the half-life period you can study earlier. Thank you.